जो काम बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कर पाते वो काम एक जूस बेचने वाले ने कर डाला। आपने लक्ष्मी मित्तल और मुकेश अंबानी के परिवार की शादियों में हुए भारी भरकम खर्च के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आप सोच सकते हैं कि एक जूस बेचने वाला 200 करोड़ रुपए की शादी कर सकता है? शायद नहीं, लेकिन ये सच है, क्योंकि जूस बेचने वाले ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, मेहमानों के आने और जाने के लिए चार्टर प्लेन का इंतजाम किया, 120 करोड़ में वेडिंग प्लानर हायर किया जिसमें 42 करोड़ कैश पेमेंट थी। इतना ही नहीं, दुबई में हुई आलीशान शादी में बॉलीवुड के नामचीन स्टार्स को भी बुलाया जिनको करोड़ों का भुगतान कैश किया गया। लेकिन अब सरकार ने इस पर टेढ़ी नजर कर ली है और शिकंजा कस दिया है। अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर कौन है वो शख्स, तो सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं नंदिनी हूँ और आप हैं मंच पर। सौरभ चंद्राकर, ये वो नाम है जिसके चलते कई बॉलीवुड स्टार पर अब ईडी ने शिकंजा कसा है। बताया जाता है कि वो छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। उसके पिता नगर निगम में पंप ऑपरेटर थे। सौरभ की एक जूस की दुकान थी। 2019 में वो दुबई गया और अपने दोस्त रवि उत्पल को भी उसने बुलाया। इसके बाद उसने महादेव ऐप लॉन्च किया और फिर धीरे धीरे ऑनलाइन सट्टा बाजार का बड़ा नाम बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने बताया कि सट्टेबाजी के पैसे को खाते में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं। नए यूजर और फ्रेंचाइजी पैनल चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के लिए भारत में केस में बड़े पैमाने पर खर्च भी किया जा रहा है। दावा तो ये भी है कि सौरभ चंद्राकर ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने लिए एक साम्राज्य बनाया हुआ है और अपनी शादी में करीब 200 करोड़ नकद खर्च किए जिसमें कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई। इन बॉलीवुड स्टारों पर ईडी की है नजर। नंबर एक, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, आतिफ असलम, भारती सिंह, सनी लियोनी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, एली अब्राम, भाग्यश्री, कृष्णा, अभिषेक, पुलकित सम्राट, कृति खरबंता, नुसरत फरूचा। बता दें, हाल ही में महादेव एपीपी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के मामले में ईडी ने छापेमारी की थी जिसमें अब तक 417 करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है। अधिकारियों को बड़ी मात्रा में कागजात और सबूत मिले हैं। कागजात में 14 बॉलीवुड सितारों के नाम भी मिले हैं। अब ईडी के अधिकारी उन बॉलीवुड सितारों पर नजर रख रही है। अब आगे क्या कुछ सामने निकल कर के आता है ये देखने वाली बात होगी। आपका इस पर क्या कुछ कहना है कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।